पूरा मामला निहारगंज थाना इलाके का है, जहां युवक आकाश गुर्जर ने पहले प्यार का इजहार किया और फिर पिस्तौल तानते हुए युवती को साथ ले जाने पर अड़ गया। युवक की इस हरकत को देखते ही युवती के परिजनों ने खुद को घर में कैद कर लिया। युवती के मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक को पिस्तौल के दम पर हंगामा करने की सूचना पुलिस तक पहुंची और कुछ ही देर में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ समझाइश का दौर, जो करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान पुलिस ने युवक को बातों में उलझाते हुए से दबोच लिया। इसके बाद युवक को गिरफ्तार करते हुए निहारगंज थाने ले जाया गया। इस मामले में धौलपुर SP केसर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक आकाश गुर्जर पीड़िता को कई दिनों से परेशान कर रहा था। 2 दिन पहले युवक युवती का अपहरण कर उसे ले जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन युवती के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। इसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इस बीच युवक युवती को छोड़कर भाग चुका था। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद गुरुवार को फिर से युवक युवती के घर पहुंचा, जहां अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए युवती का अपहरण करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद युवती के परिजनों ने खुद को घर में बंद करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। 2-3 दिन पहले एक श्री उपाध्याय जी का फोन आया था कि उनकी बच्ची को एक आकाश गुर्जर नाम का व्यक्ति जबरन ले जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो वो लड़की को छोड़ करके भाग गया था। आज समय करीब 11 बजे उन्हीं का पुनः मेरे फोन आया मेरे पास कि आकाश गुर्जर मेरे घर के बाहर आकर के फायरिंग कर रहा है और मजबूर कर रहा है कि या तो आप अपनी लड़की को मुझे सौंपिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा और मैं कमरे में बंद हूँ। मेरे द्वारा तत्काल एडिशनल SP SHO QRT का जाब्ता मौके पर भिजवाया। जब पुलिस जाब्ता वहाँ पर पहुँचा तो आकाश तो गुर्जर ने पुलिस जाब्ते पर फायर किया और वहाँ पर कट्टा तान के खड़ा हो गया कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो मैं गोली मार दूंगा। पुलिस जाब्ते ने बहुत ही धैर्यपूर्वक साहसिक कदम उठाते हुए उसको धर दबोचा और उसकी अभी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई। और अधिक खबरों के लिए बने रहे नवभारत टाइम्स.com पर।